जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय, रक्त बीज का वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शंभु ने क्रोधयुक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, द्रौहद, मौर्य और कालकेय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटी के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शीर की दहाड़ और घंटों के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाव गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंसयुक्त विमान में बैठकर और रुद्राज की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्ररेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, श्राम, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही, वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटके से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आए। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए, जो तुमने अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो।
देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूध के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों की शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्मारी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंह ही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्ठास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गए। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा यह जागृत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़क से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उसे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे,
अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त छीण हो जाने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र बाण खड़ग तथा त्राती इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगीं।